देख रहे अम न्यूज रफ्तार और मैं हूँ मोना। दीप नगर मोहल्ले की महिला की गंगा किनारे कपड़ा धोने के क्रम में डूबने से हुई मौत। महिला के शव को घंटों आदमपुर तिलका मांझी मुख्य मार्ग पर रखकर परिजनों व ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। जोगसर थाना क्षेत्र के दीप नगर मोहल्ला स्थित काली ठाकुर लेन के मुन्ना राय की पत्नी रेखा देवी गंगा किनारे कपड़ा धोने के दौरान बाढ़ के पानी के चपेट में आ गई। परिजनों ने बताया कि रेखा देवी कपड़ा धोने गंगा किनारे गई थी। कपड़ा धोने के लिए जैसे पानी में उतरी उनका पाँव फिसला और वह डूब गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला के शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। आज ग्रामीणों ने रेखा देवी के शव को पोस्टमार्टम हाउस से निकालने के बाद तिलका मांझी आदमपुर मुख्य मार्ग पर रखकर घंटों मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हम लोगों का घर हर साल बाढ़ में डूब जाता है, प्रशासन का उदासीनता को लेकर इत्तला करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा मिलने वाली सरकारी सुविधा मुहैया कराया जाए। ये है कि हर साल हम लोग बाढ़ में डूब जाते हैं। हम लोगों का घर लगभग 80 घर है जो दीप नगर काली ठाकुर लेन में है, वो सब घर में पानी है, सांप है, ना जाने क्या क्या जहरीला चीज है, और कई लोग डायरिया से पीड़ित हो गए। कल एक महिला जो है वो मुंह धोने के लिए गई और फिसल गई और डूब गई। इनका नाम रेखा देवी है, इनके पति का नाम मुन्ना राय है। घर काली ठाकुर लेन दीप नगर भागलपुर। बॉडी रख के इसलिए जाम किए कि हम जो पीड़ित लोग हैं, हम लोगों को चाहे कोई भी प्रशासन हो वो हम लोगों को देखने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये इस माध्यम से जो रोड जाम किए हैं, इस माध्यम से मांग करते हैं कि जो जिला प्रशासन है हम लोग के दुख दर्द को सुने और हमारे समस्या का समाधान करें। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है, हम DYFI के जिला संयोजक हैं।